So hello people, welcome to the channel CATV, and in this video we are going to read about the article that जो है लाइबर, वो लाइबर अब हो रहा है रिप्लेस, एंड लाइबर की जगह पे अब अल्टरनेटिव रेफरेंस सेट यूज़ हो रहे हैं। सो ये आर्टिकल तो उसके ऊपर ही है कि लाइबर जो है रिप्लेस हो रहा है, पर पॉइंट ये है कि लाइबर होता क्या है। अब लाइबर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन करते करते हमको SFM के क्वेश्चन करते करते दिख जाता है लाइबर के बेसिस पे जो है रेट डिसाइड होते हैं, तो हाँ कुछ हद तक वैसा ही है। अब लाइबर को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, तो कुछ कारण होगा रिप्लेस करने का, राइट? तो लाइबर को जो है रिप्लेस करने के कारण होंगे, तो हाँ लाइबर में भी जो है स्कैंडल हुआ था, तो उसके बाद कमिटीज़ बनी थी और कमिटीज़ ने फिर जो है अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स निकाले थे। चलो, तो ये दो PDF है, ये PDF तो एक मेन PDF है, ये एक मेन PDF है जो शो कर रहा है कि लाइबर तो जो है रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर वो आर्टिकल है, बाकी कुछ फैक्ट जो मैंने इधर गैदर करे थे ये सेम टू सेम वैसे ही है जो असेट मोनेटाइजेशन प्लान के टाइम किया था, जहाँ पे कुछ फैक्ट गैदर किए थे, तो इधर भी वो फैक्ट गैदर किए हैं और ये पर्टिकुलर वो आर्टिकल है। तो देखो लाइबर क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है। अब लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, तो इंटरबैंक से आप ये तो समझ जाओगे कि चलो ठीक है ये बैंक टू बैंक है, तो सही बोल रहे हो आप कि बैंक टू बैंक जब लैंडिंग होती है तो लाइबर के आधार पे होती है। पर ये लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन ये लंदन की बैंक के लिए है, ये है सारी की सारी बैंक के लिए। जब बैंक एक दूसरे को लैंड करती है तो लाइबर के आधार पे करती है, लाइबर का रेट एक बेंचमार्क को यूज़ करके। हाँ, पर लाइबर के बाद कुछ अपने स्प्रेड भी लेती है, लाइबर प्लस स्प्रेड जो होता है, एक तो देखा जाए तो टोटलिटी में लाइबर प्लस स्प्रेड के बेसिस पे जो है बैंक एक दूसरे को लैंड करती है। अब पॉइंट ये है कि जो लाइबर है वो लाइबर तो हर कंपनी का, हर बैंकिंग कंपनी का लाइबर ऑब्वियसली सबके लिए सेम ही रहेगा, पर जो स्प्रेड है, स्प्रेड का अंतर जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करता है या डिफ्रेंशिएट कर देता है एक बैंक को दूसरी बैंक से लैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो यूजुअली फिर अगर जिसको ज़्यादा लोन लेना हो तो फिर वो उस लाइबर, उस बैंक की तरफ जाती है जिनका स्प्रेड कम हो, ठीक है। अब लाइबर जो है, लाइबर को जो डिसाइड कौन करता है, लाइबर को जो डिसाइड करता है वो 2014 के पहले ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन करती थी। अब क्योंकि 2014 के पहले ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन करती थी, देन 2014 और उसके बाद से इंटर कॉन्टीनेंटल एक्सचेंज बैंक बेंचमार्क, इंटर कॉन्टीनेंटल एक्सचेंज बेंचमार्क जो है वो लाइबर को लीड करती है। अब लाइबर का डिसीजन किस तरीके से होता है कि भाई ऐसा है कि जो टॉप 18 बैंक्स हैं उन टॉप 18 बैंक्स से जो है हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके हिसाब से लैंडिंग का रेट क्या रहेगा, सब बैंक अपने हिसाब से लैंडिंग का रेट बता देती है। अब लैंडिंग का रेट जो भी 18 बैंक्स ने बताया, तो उसमें सबसे जो लोएस्ट बैंक है, जिसका जो लोएस्ट रेट है और जो हाईएस्ट रेट है उसको तो एलिमिनेट कर दिया, बची हुई रेट्स का जो है एवरेज, वो एवरेज को बोलते हैं लाइबर, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस तरीके से लाइबर का रेट निकलता है, वो लाइबर के रेट 5 करेंसीज में निकलते हैं, कि अगर आपको डॉलर लोन करना हो पहले करेंसी, दूसरी करेंसी यूरो लोन करना हो, तीसरी करेंसी पाउंड है, तो ये तीन तो हम समझ लेंगे, पाउंड यूरो डॉलर, ठीक है, फिर JPY और स्विस फ्रैंक भी है, ठीक है। तो इन 5 करेंसीज में अगर आपको लोन करना हो, ठीक है, तो आप लोन करने का पर्टिकुलर रेट है, और ये जो रेट है ये 7 मैच्योरिटीज़ के लिए है, हर मैच्योरिटी पे एक डिफरेंट रेट है। मैच्योरिटीज इन द सेंस कि कुछ ओवरनाइट फंडिंग जिसको चाहिए हो तो ओवरनाइट रेट है, देन उसके बाद आपकी बात एक वीक का, एक हफ्ते का रेट है, एक महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का है, तो इस तरीके से रेट्स है, ओवरनाइट, एक ओवरनाइट, वीक, 1, 2, 3, 6, 12 महीने, तो इस तरीके से जो है 5, तो 1, 2, 3, 6, 12 ये हो गए, एक वीक और एक ओवरनाइट, तो इस तरीके से 7 स्ट्रक्चर्स में अपन बोल सकते हैं, 7 मैच्योरिटीज़ में जो है ये लोन का रेट निकालते हैं। अब ऐसा है कि इंडिया में तो होता है माइबर, इंडिया में माइबर होता है, इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की इंटरबैंक होती है वो माइबर के आधार पे जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो माइबर रहता है, माइबर प्लस स्प्रेड जो भी है। लाइबर इतना बड़ा है कि अराउंड $200 ट्रिलियन, तो $200 ट्रिलियन मतलब 200 लाख करोड़, तो 200 लाख करोड़ जो है, 200 लाख करोड़ डॉलर जो है वो लाइबर के बेंचमार्क पे लैंड होते हैं। तो लाइबर इतना ज़रूरी है कि जो 200 लाख करोड़ तक के जो लोन्स है उसका फंडामेंटल लाइबर है। अब पॉइंट ये है कि लाइबर सब अच्छा चल रहा था, तो ऐसा है कि लाइबर में हुआ स्कैंडल। स्कैंडल किस तरीके से हुआ कि चलो ठीक है, ये तो चल तो 2003 से ही रहा था, पर 2012 में पता चला, और ये स्कैंडल कुछ इस तरीके से था कि बैंक से कार्टल बन गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका रेट क्या होना चाहिए, तो अपने हिसाब से बता देते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि इनका एक्चुअल रेट वो ही रहे, क्योंकि एक्चुअल रेट अलग हो सकता है। तो यह हाइपोथेटिकल रेट बताता है अपना। स्कैंडल कुछ इस तरीके से हुआ था कि बैंक बन गए थे कार्टल, और जिस टाइम जो है बैंक को सस्ते में लोन चाहिए था, तो उस समय बैंक जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज बैंक, या अपन बोल सकते ब्रिटिश बैंक एसोसिएशन, इनको जो है लेस रेट कोट करते थे। अब लेस रेट कोट करते थे लेंडिंग के, तो ऐसे केस में रेट कम निकलता था। अब रेट कम निकला तो जो बैंक के जो कार्टल्स है उन्होंने से बोरो कर लिया, क्योंकि कम रेट पे उनको बोरो करने की नीड थी। यही जब उनको लैंड करने का था, जब लैंड करने का था, जब उनके पास सरप्लस इनफ्लो था, तो ऐसे केस में क्या किया इन्होंने, रेट बढ़ा दी। ठीक है, तो मैं होलिस्टिकली मतलब मैं एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि एक फंडामेंटली तो यही हुआ है गड़बड़। इसके इनडेप्ट नहीं जाएंगे ना, तो अपने को जाने की ज़रूरत है, पर जो गड़बड़ है उसका फ्रेमवर्क देखा जाए तो इसी आधार पर हुआ था कि अब उन्होंने फिर जो है रेट बढ़ा दिए। अब जब रेट बढ़ा दिए तो ऐसे केस में एवरेज भी ज़्यादा आ जाएगा। अब एवरेज ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे केस में उन्होंने लैंडिंग का इंटरेस्ट जो है वो लैंडिंग का इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया कि चलो 18 बैंक में से जो है जो बैंक जिनका मतलब कि टाई अप हो गया था या जिन्होंने कार्टल बना ली थी, तो देखो HSBC बैंक थी, बार्कलेस बैंक थी, एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, एक अपनी ड्यूश बैंक है, एक है JP Morgan, वो सिटी बैंक है। ये सिटी बैंक तो हर जगह आ जाता है, ये हर्षद मेहता वाले केस में भी सिटी बैंक आया था। तो जो 6 बैंक है कम से कम, ये तो एटलीस्ट अपन मानो कि ये तो थे ही थे। ठीक है, अब इन बैंक का कार्टल बन गया, इनको जैसी नीड होती है वो वैसे हिसाब से जो है रेट कोट करते थे, ठीक है, ताकि एवरेज कम आ जाए, फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट करे। तो ये चीज़ें समझ में आई थी। ठीक है, तो फिर एक ये भी चीज़ समझ में आई कि जो लाइबर में, फिर तो लाइबर में चलो स्कैंडल तो है, लाइबर की रिलायबिलिटी तो हुई कम। दूसरा पॉइंट ये भी है, एक टाइम ये भी आया कि जब लगा कि यार ये हाइपोथेटिकल रेट से एवरेज कब से मतलब निकाल रहे हो, पर उसका एक्चुअल ट्रांजेक्शन की रेट लो ना, हाइपोथेटिकल रेट क्यों लेते हो ऐसा। सो इस केस में फिर विचार में आया कि चलो एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी हमको अल्टरनेट रेफरेंस रेट का सुझाव देगी। तो ये जो है करेंसी स्पेसिफिक उन्होंने अल्टरनेटिव रेट डिसाइड करे। अब अल्टरनेटिव रेट जो है, ऑब्वियस बात है कि ये रेट जो है ये हाइपोथेटिकल के आधार पर नहीं रहेंगे, ये जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन रेट रहेगी वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन रेट्स का यूज़ करके जो है, जैसे लाइबर हाइपोथेटिकल पे निकलता था, ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन के जो है रेट्स यूज़ करके रेट्स निकालेंगे। खैर इसके इस पर हम बाद में आते हैं। पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट था कि जब 2012 में स्कैंडल हुआ और 2014 के पहले जो है ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन चीज़ों को देखती थी, तो यही जो 2014 है यही फेज था जब ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन को हटाया और इंटर कॉन्टिनेंटल बैंक ऑफ एक्सचेंज बैंक जो है ICEB, तो इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज बेंच मार्क जो है ये आया, और फिर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट की कमिटी बैठी जो एक फेडरल रिजर्व बोर्ड, ठीक है, फेडरल रिजर्व बोर्ड ने अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट की कमिटी बैठाई, और अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट की जो कमिटी है, ठीक है, ARRC बोलना था, उन्होंने SOFR, उन्होंने बोला कि जो लाइबर का अल्टरनेटिव है ना वो तो SOFR है। बात करते हैं SOFR की, तो ये सिक्योर्ड ओवरनाइट, ठीक है, एफ से है फाइनेंसिंग रेट, तो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, उन्होंने बोला कि लाइबर का एक्रोनिम तो ये है, मतलब लाइबर का अल्टरनेटिव तो ये है। फिर 2018 में जो है SOFR जो है पब्लिश होगा। जुलाई 2018 में ऐसा भी हुआ कि जो फैनी में एक कंपनी है वो पहली एंटिटी है जिन्होंने पेपर्स, ठीक है, पेपर्स मतलब कि पेपर्स इन द सेंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इशू पेपर्स मतलब कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करे जो लिंक्ड टू SOFR है, और एक बार्कलेस बैंक की जो पहली बैंक है जो पेपर जो है मतलब कि एक तरीके सिक्योरिटीज़ मान लो SOFR के बेस पे सिक्योर ओवरनाइट एक्सचेंज रेट के बेसिस पे जो है इशू करा। ठीक है, नोट करने की बात ये है कि जैसे कि सबका अपना अपना, जैसे लाइबर होता है वैसे ही जो है जापान का जाइबर होता है, इंडिया का माइबर होता है, ठीक है, और ये अपना पाकिस्तान का भी काइबर होता है, कराची इंटरबैंक ऑफर ट्रेड, एक यूरोप का यूरिबोर होता है, तो इस तरीके से लाइबर होता है, राइट। तो हमने ये चीज़ देखी, ठीक है, हमने ये चीज़ देखी कि ठीक है स्कैंडल हुआ था, ये सारे बैंक इसमें इन्वॉल्व है, ये देखा ये लाइबर, ये जो कमिटीज है इनके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब पॉइंट ये है, ये लाइबर अभी पढ़ना इसलिए ज़रूरी हमको लग रहा है क्योंकि इसका जो है ट्रांजिशन डेट मतलब कि जब ये एंड हो के नया आ जाएगा, ये डेट रखी हुई थी दिसंबर 2021, मतलब कि ऐसा था कि दिसंबर 2016 में ये हमने पता किया कि लोन्स का 80%, तो ये 80% लोन्स जो है वो मैच्योर्ड हो जाएंगे दिसंबर 2021 तक।
मतलब कि अगर ये मैच्योर नहीं होते और लाइबर चेंज करते तो इन लोन्स के रेट्स पे भी इफेक्ट आता, तो इसलिए लोन मैच्योर हो जाएंगे 80% 2021 तक। तो ऐसे केस में जो है लाइबर का जो डेट रखा था चेंज होने का, वो ट्रांजिशन डेट रखा था दिसंबर 2021, पर वो हो सकता है कि दिसंबर 2023 हो जाए, जो भी है। पर ऐसा है कि चलो सपोज़ करो कि लाइबर चेंज हो गया तो उसमें दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस ऐसा है कि जब भी लोन एग्जीक्यूट करते हैं तो उस एग्रीमेंट में फॉल बैक लैंग्वेज होती है। फॉल बैक लैंग्वेज इन द सेंस ऐसा होता है कि जब जैसे एक चीज़ ऐसी होती है कि कभी कंप्यूटर ग्लिच हुआ तो कंप्यूटर ग्लिच हुआ या टेक्नोलॉजी टेक्निकल एरर हुई तो रेट कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये एग्रीमेंट में बातें होती है। बट एग्रीमेंट में कभी भी जो है ये बात नहीं होती कि सब्स्टिट्यूट ही कर देंगे, आधार भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो एक ये रहता है कि आप एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तब लाइबर का जो है बेस जो है आधार है जो है बेंचमार्क है वो कैसे हटाओगे, रही बात है। तो अब जब नए फ्रेश लोन रहेंगे उसमें तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और रही बात है कि अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट की, तो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो भी रहते हैं इसको जो है अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो भी है ये रेफरेंस रेट वर्किंग ग्रुप मेंबर्स की कमेटी, मैंने आपको बोला ना जैसे कमेटी बनी थी तो कमेटी में ऑब्वियस रहते, कमेटी में कोई काम करता है उसको बोलते हैं वर्किंग ग्रुप मेंबर। तो सारे बैंक्स, असेट मैनेजर्स, इंश्योरेंस कंपनी ये आए थे, ठीक है, गोइंग फॉर ARR, ठीक है। और रही बात है तो वो सारे वर्किंग ग्रुप के जो है मेंबर ये जुड़े थे एक ARR को निकालने के लिए या ARR को डिटरमाइन करने के लिए, इन सब का भी योगदान है क्योंकि ये सब भी वर्किंग ग्रुप में इन्वॉल्व है। पॉइंट ये है कि जैसे हम बात करें कि भाई लाइबर का जो है अल्टरनेटिव SOFR है, तो क्या लिखा हुआ है कि SOFR जो है इस बेस्ड ऑन दी ट्रेजरी रीपर्चेस मार्केट, ठीक है। तो ओवरनाइट रेट रहेंगे इनके और ट्रेजरीज जो है रीपर्चेस मार्केट के आधार पे ये बेस्ड होगा, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेस पे होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और रेपो मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उन सिक्योरिटीज़ उन रेट्स के आधार पे जो है SOFR डिसाइड होता है। और जो है हर दिन ये ऑब्वियस सी बातें पब्लिश होता है। और ये भी बात है कि ये रेट्स जो है वो ओवरनाइट रेट्स होते हैं, ये अभी हम जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। रही बात है एग्जिस्टिंग रेट अगर आपका लाइबर है तो उसके बहुत ही अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट निकल रहे हैं, जैसे SOFR निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, फिर ESTR है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म रेट, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म लोन के लिए रहता है, तो यूरो शॉर्ट टर्म रेट है, सोनिया है, तो सोनिया क्या है, स्टर्लिंग ओवरनाइट, ठीक है, ONC ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज, और टोना है टोक्यो ओवरनाइट एवरेज, सैरोन है स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, ठीक है। तो देखो हर जगह R से तो रेट ही होगा, A से एवरेज होगा, N से ON हो तो ओवरनाइट हो जाएगा, O हो तो ओवरनाइट हो जाएगा, ये ON है तो इधर ओवरनाइट है, एवरेज है, तब समझ जाओगे। और एक 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 लेटर तो करेंसी का होगा, ठीक है, पर इधर नहीं, जैसे SOFR है तो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है। ESTR तो ये तो ऑब्वियस बात है यूरो, SPA तो अपन शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, R से रेट है, ठीक है, SONIA तो S से क्या है स्टर्लिंग, जैसे पाउंड स्टर्लिंग है तो स्टर्लिंग, ON से ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज, T से टोक्यो ओवरनाइट एवरेज, SS एवरेज रेट ओवरनाइट। किस तरीके से हमने ये सब अल्टरनेटिव रेट से अगर आप देखो तो लाइबर की ये अल्टरनेटिव रेट निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन रेफरेंस रेट, ठीक है, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। चलो तो ये समझने के बाद, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं PDF की तरफ, ठीक है, कि PDF और क्या बोल रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि लाइबर इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड, ठीक है। अब लाइबर का ट्रांजिशन, मतलब ये बेसिक वही बातें जो हम पढ़ चुके हैं कि लाइबर जो है वो फेज्ड आउट हो रहा है क्योंकि जो है ये ट्रेडर द्वारा एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है। और इट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड, और रिप्लेस किससे होगा, एक अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट से, राइट। और अकॉर्डिंगली जो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो है वो भी अपन ने बात करी कि SOFR है, सोनिया है, ESTR है, टोना है, सैरोन है, ये सब है। और इसको किसने रिकमेंड किया है, वर्किंग ग्रुप ने, जो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग ग्रुप कौन होते हैं, वो बैंक और असेट मैनेजर्स और इंश्योरेंस कंपनीज ये सब रहती है। और ARR जो है वो ओवरनाइट रेट्स होते हैं, ठीक है, और कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, मतलब ये सिक्योर्ड रेट्स होते हैं, ठीक है, ये सिक्योर्ड लोन्स के आधार पर रेट्स होते हैं, ठीक है। और एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो होते हैं उस बेसिस पे रेट्स होते हैं, ये अनसिक्योर्ड रेट्स नहीं होते, क्योंकि लाइबर जो होता है वो लाइबर हमारा अनसिक्योर्ड लोन शॉर्ट टर्म लोन का रेट तब हो, ठीक है, और बेस्ड ऑन एक्चुअल मार्केट ट्रांजेक्शन। तो देखो
बेस्ड ऑन एक्चुअल मार्केट ट्रांजेक्शन रादर देन ऑन जजमेंट, जो कि लाइबर जो है वो जजमेंट के आधार पर चलता था। तो उन्होंने क्या बोला, रादर देन ऑन जजमेंट, ठीक है, ये तो एक्चुअल मार्केट ट्रांजेक्शन पे ऊपर है, ठीक है, ना तो ये जजमेंट है ना तो एस्टिमेट है, जिस जजमेंट और एस्टिमेट पे लाइबर बेस्ड होता था। अब इसका इफेक्ट क्या है इंडियन मार्केट पे? ऑब्वियस ही बात है कि जब इंडियन मार्केट ने डॉलर लोन अगर ऐसा कुछ दिए होंगे तो वो लाइबर के आधार पर दिए होंगे। अब ये हो रहा है लाइबर का ट्रांजिशन, अब जब बनती बात है कि लाइबर का ट्रांजिशन हो रहा है तो इसके नफे नुकसान तो एक बार देखने पड़ेंगे ना, ठीक है। और एक बार ये भी बोलना पड़ेगा कि दिसंबर 2021 पे रेडी रहो तुम, ठीक है, क्योंकि लाइबर का ये चेंज होने वाला है। तो यही है कि अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक ने एक डियर CEO लेटर दिया था सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, और उनको बोल दिया था कि आप ना तैयार रहो एक लाइबर के सेसेशन की, कि लाइबर तो नहीं पड़ जाएगा, अब आपको अब तैयार रहना है, ठीक है। तो बोला कि सब अपनी तरह से तैयार रहो, ठीक है। और उनको RBI ने बैंक को इनकरेज करा कि आप ये भी मत करो, अब क्या इनकरेज कर रहे हैं कि सीज यूजिंग दी MIBOR, तो माइबर होता है जैसे मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट आउटराइट रेट, तो ये भी हटा दो जो पब्लिश करती है फिनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया, ठीक है, विच रेफरेंसेस द लाइबर एज सून एज प्रैक्टिकेबल इन एनी इवेंट बाय 31 दिसंबर। मतलब कि विच रेफरेंसेस द लाइबर, मतलब क्या होता है कि ये जो माइबर है मुंबर इंटरबैंक, ठीक है, फॉरवर्ड आउटराइट रेट जो भी देता है, ये जो पब्लिश करती ना फिनेंशियल बेंचमार्क इंडिया, ये क्या है, वो लाइबर को देख के ही अपना रेट डिसाइड करती है। विच रेफरेंसेस द लाइबर, वो लाइबर को देख के ही अपने रेट जो डिसाइड करती है। तो ऐसे किसने बोल दिया कि जब लाइबर ही रिलायबल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम तो उनका देख के उनके रेफरेंस को यूज़ करके हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी रिलायबल नहीं है। तो ऐसे केस में बेटर है कि आप ये भी यूज़ मत करो, ना तो लाइबर यूज़ करो ना तो ये यूज़ करो। अब क्या लिखा हुआ है कि बैंक को ये भी बोला है कि देखो सिंस देखो अब लाइबर जा रहा है, तो ऐसे केस में बैंक को बोला गया है कि आप आइडेंटिफाई करो एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर विद लाइबर एज रेफरेंस रेट, ठीक है, जो लाइकली टू कंटिन्यू बियॉन्ड सेसेशन डेट। ऐसा देखो कि देखो लाइबर 31 दिसंबर को चले जाएगा, पर लाइबर से जुड़ी हुई जो भी एक्सपोजर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और ये बताओ कि जो सेसेशन डेट के बाद भी इतने एक्सपोजर तो लाइबर से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, तो वो रिस्क पता करो जो बियॉन्ड सेसेशन डेट भी रहेगा, वो एक्सपोजर डिसाइड करो जो सेसेशन डेट के बाद भी रहेगा। अब सेसेशन डेट के बाद भी है तो उसके लिए अभी एक्सपोजर तो ठीक है, आपने क्या उसकी तैयारी करी है, उसकी प्रिपेयरनेस देखो, ठीक है, आपने ट्रांजिशन की तैयारी करी कि नहीं करी है, क्या एसोसिएटेड रिस्क है, ठीक है, कस्टमर का क्या सेंसिटाइजेशन है, मतलब कि क्या बिहेवियर चेंज रहेगा, तो ये सब चीज़ें एक बार आप समझो कि क्या आपको रिस्क है, रिस्क से आप कितने तैयार हो, ट्रांजिशन डेट की कितनी तैयारी आपने करके रखी है, ठीक है, क्या रिस्क है और कस्टमर सेंसिटाइजेशन क्या है, जो भी है। अब क्या बोल के रखा है कि RBI वॉन्ट बैंक ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू तो लो, वही जो बोल के रखा था ऊपर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइबर एक्सपोजर जो भी हो रहे हैं वो भी रखो, और एटलीस्ट और ये रिस्क को देखते हुए एक फ्रेमवर्क बनाओ कि किस तरीके से रिस्क को मिटिगेट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम ट्रांजिशनल इशूज़ से बच सकते हैं। जब हम बोले कि जो रिस्क ट्रांजिशन इशूज़ में, मतलब कि जो रिस्क आने वाले हैं, ठीक है, एक्सपोजर आने वाले हैं, किस ट्रांजिशन के दौरान जो एक्सपोजर आने वाले हैं, जैसे भाई वैल्यूएशन में इंक्लूडिंग वैल्यूएशन और जो कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस है, ठीक है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए एटलीस्ट कुछ तैयारी तो आप करके रखो, ठीक है, और क्योंकि ये तो एक फिनेंशियल मार्केट के लिए बिग इवेंट है, ठीक है। अब बनती बात है कि किस तरीके से मैनिफोल्ड होता है वो बात अलग है, पर एक है तो बिग इवेंट, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ क्विक फैक्ट ऐसे है कि जो लाइबर है वो एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, बेस्ड ऑन विच, जिसके बेसिस पे जो ग्लोबल बैंक है वो बोरो लैंड करती है, और देखो क्या लिखा हुआ है, अनसिक्योर्ड फंड, ठीक है, बाकी अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट तो सिक्योर्ड फंड है और शॉर्ट टर्म, ये अनसिक्योर्ड फंड है, ठीक है, तो बोरो लैंड करती है अनसिक्योर्ड फंड इन दी इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, तो देखो अनसिक्योर्ड फंड और शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब इंडिया का एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग बॉन्ड, अब इंडिया का एक्सपोजर भी तो है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग बॉन्ड FCNR डिपॉजिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लाइबर, तो इंडिया का एक्सपोजर कितना है, लाइबर मतलब कि इंडिया मतलब कि बोरो कर लेती है, ठीक है, और इंडिया का एक्सपोजर जो लाइबर से जुड़ा हुआ है वो 331 बिलियन, और 1 बिलियन होता है 100 करोड़, ठीक है, तो 331 सौ करोड़ है, मतलब एक तरीके से 33,100 करोड़ का ये है एक्सपोजर, ये लाइबर से जो जुड़ा हुआ है, जो लाइबर से लिंक्ड है,
ठीक है, एक्सपोजर इन द सेंस कि जो ट्रांजेक्शन जो लाइबर से लिंक्ड है। अब देखो ये हमने ये अगला पेज है, अगले पेज में यही बोल कर रखा है कि लाइबर जो है एक इंटरेस्ट रेट बैंक बेंचमार्क है जो ग्लोबल बैंक अनसिक्योर्ड फंड इंटरबैंक में शॉर्ट टर्म बोरो लैंड करती है। अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट की हमने बात कर ली, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट क्या है, वर्किंग ग्रुप्स हमने बता कर लिया था, और हमने ये भी देखा कि कोई क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, एक्चुअल मार्केट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे जो है ये रेट डिसाइड होंगे और ये ओवरनाइट रेट्स रहेंगे, तो पूरा का पूरा ये कॉपी हो गया। बनती बात है कि अब देखो फिर अपन ने ये भी देखा था कि अगस्त 2020 में जो है एक DSCEO लेटर इशू करा था सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, ठीक है, और सेंसिटाइज कर रहे थे कि भैया किस तरीके से जो है नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द लाइबर सेसेशन, क्या तैयार हो लाइबर सेसेशन के लिए, क्योंकि सेसेशन तो रहेगा, ठीक है, और ये भी बोला कि सी इज़ यूजिंग द माइपॉट जो अभी हमने बात कर ली थी, और इंडिया का एक्सपोजर जो अभी अपन ने देखा क्विक फैक्ट में कि 331 बिलियन है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि ये माइपॉट क्या होता है, माइपॉट जो है ये रेट है जो इंडियन बैंक यूज़ करती है एज अ बेंचमार्क, ठीक है, जो भी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और डेरिवेटिव रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जैसे अपना AS में होता है ना कि अपने इंड AS है IAS की जगह, तो ये जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और डेरिवेटिव जो होते हैं ना वो इंडियन बैंक माइफॉर का यूज़ करती है, ठीक है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और डेरिवेटिव में। तो ये क्या है, अभी अपन ने क्या बोला कि वो लाइबर के रेफरेंसेस को यूज़ करती है, ठीक है, तभी तो उसको सीज करने का बोल रहे हैं, तो बोल रहे थे कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ, ये मिक्स है किसका, ये लाइबर का, ठीक है, एंड अ फॉरवर्ड प्रीमियम डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फॉरेक्स मार्केट, तो लाइबर एंड अ फॉरवर्ड प्रीमियम डिराइव फ्रॉम इंडियन फॉरेक्स मार्केट, तो इंडियन फॉरेक्स मार्केट से जो फॉरवर्ड प्रीमियम डिराइव होता है कितना परसेंटेज डिराइव होता है उनका मिक्स है। बैंक को बोला गया है कि आप एक्सपोजर आइडेंटिफाई करो जो लाइबर से लिंक्ड है, और ये भी पता करो कि सेसेशन के बाद भी कौन कौन से एक्सपोजर जो कंटिन्यू रहेंगे, कुछ आपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया है क्या, किस तरीके से आप प्रिपेयर्ड हो, क्या एसोसिएटेड रिस्क है, कस्टमर सेंसिटाइजेशन, ये सब चीज़ें आप देखो। और आरबीआई कोई ऑब्वियस ही बात है कि ये भी बोला गया है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू तो देखो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोजर क्या है, किस तरीके से आपने फ्रेमवर्क बनाया है मिटिगेट करने के लिए, एटलीस्ट कुछ फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोजर रहेंगे ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशनल इशूज, ठीक है, तो एक्सपोजर अराइजिंग ट्राई टू फ्रेमवर्क टू मिटिगेट द रिस्क, वो जो रिस्क जो अराइज होने वाला है एक ट्रांजिशनल इशूज़ के कारण, ठीक है, और वैल्यूएशन में भी इसका फ़र्क आएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस में भी फ़र्क आएगा, तो किस तरीके से हम नए तरीके से नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने रहेंगे, कुछ क्लॉजेस जो हमको कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करने रहेंगे तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो क्या क्लॉजेस होना चाहिए, तो वही बनती बात है कि ये एक बिग इवेंट है इंडियन मार्केट में, अब देखते हैं कि वो कैसे मैनिफोल्ड होता है, तो देखा जाए तो पर्टिकुलर यही पॉइंट को सिस्टमेटिक तरीके से इसे बताया है, राइट, तो होप सो ये लाइबर पर जो है कवरेज आपको सही लगी होगी, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी है, ठीक है, देखा जाए तो एक आर्टिकल तो पढ़ा ही पड़ा है, साथ ही साथ लाइबर होता क्या है, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट क्या है, लाइबर स्कैंडल का एक ब्रीफ इंट्रो देखा था, ठीक है, और इंडिया का एक्सपोजर उस लाइबर से कितना जुड़ा हुआ है, एंड लाइबर क्यों चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें हमने देखी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे आर्टिकल्स जब हम पढ़े तो मिलते हैं, एंड देन मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है कुछ एकेडमिक से रिलेटेड भी बातें कर लेंगे, जैसे कमला का वीडियो है कुछ बनाने का है, और कमला के वीडियो के साथ साथ मुझे रिटर्न्स और असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर भी वीडियो बनाने के हैं, तो हम उसमें कवर करते हैं, चलो।